हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, आप ही लोग के क्वेश्चन का आंसर है। जैसे कि आज हमने लाइव सेशन किया था, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन था कि मैम बीएड के बाद क्या करना है और या क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा डिटेल में कि फीस और कितने साल का होगा, ये सारी चीज़ें। तो आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ एमएड के बारे में। एमएड के ऊपर ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एमएड के फ़ायदे, एमएड की जो है कि किस तरह के कितने ईयर के क्लास होता है, ये सारी कुछ हम सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं हम लोग आपको दे चुके हैं। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आपका है कि फीस से रिलेटेड, कि एक्चुअली में एमएड में कितने फीस लगते हैं एंड साथ ही साथ कौन सी यूनिवर्सिटीज में कितने फीस लगते हैं, जो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में, बीएड सेकेंड ईयर क्लास 7 बजे इवनिंग में अवध यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। तो और हम लोग पेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी का पेड क्लास चलता है बीएड फर्स्ट ईयर का, बिहार के सारी यूनिवर्सिटीज के लिए जो है पेड क्लास चलता है बीएड फर्स्ट ईयर का, एंड अवध यूनिवर्सिटी का भी चलता है बीएड फर्स्ट ईयर का पेड क्लास। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो फीस देखिए, फीस जो है एमएड का बीएड की तरह ही होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, फीस उसी की तरह है। अगर आप एंट्रेंस दे करके जा रहे हैं, एंट्रेंस दे करके एमएड में एडमिशन ले रहे हैं और आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया है एंट्रेंस में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि फीस कम होता है, ठीक है। तो ये एंट्रेंस के थ्रू हुआ। दूसरा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों है, उसमें जाते हो तो उसका भी फीस थोड़ा सा गवर्नमेंट से ज्यादा होता है। फिर अगर हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उसमें तो आप भी जानते हो कि उसमें फीस लगता ही लगता है। एमएड जो है 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल में 1 लाख भी लगता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है 1 लाख है, कहीं पे 60,000 है, कहीं पे 70,000 है, इस तरह से प्राइवेट में लगता है 1 साल का। 2 साल का आप जानते हो 2 लाख हो जाएगा या फिर 1.5 लाख हो जाएगा, इस तरह से। तो चलिए हम एक एक यूनिवर्सिटीज़ का लेते हैं जहाँ पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और किस तरह से। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ दिल्ली से, न्यू दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, JAMI से के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, इसमें इससे आप जा करके लेते हो तो इसमें 7,400 जो है पर ईयर का है, यानी कि आपका 15,000 में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एमएड। सेम उसी की तरह है, बीएड की तरह ही है, बस आपको यूनिवर्सिटीज ढूंढनी है। दूसरा जो मैं अगर बताऊँ आपको, तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU हरियाणा का है, रोहतक का, यहाँ पे 8,874 है, दैट मींस कि 9,000 लगभग ले लीजिए, तो यहां पर भी 18,000 में जो है आपका एमएड कंप्लीट हो जाता है। तीसरा मैं बताऊं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU, तो इसका जो है 60,000 है, 1 साल का 60,000 यानी 1,20,000। तो इस तरह से आप देख सकते हो यह वेरिएशन जो है, चेंजेस जो है इस तरह से आती है। तो ये प्राइवेट में आएगा, ये तो यहां पर आपको 1.5 लाख में लगभग हो जाएगा इसका। दूसरा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है अमेठी है, अमेठी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, यहां पे 1 ईयर का यानी 1 साल का 1,02,000 है, यहां पे 1 साल का जो है 1,02,000, तो आप समझ सकते हो कि 2 साल का आपका 2,04,000 फीस दिखाया रहा है। दूसरा बात करूं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम भी जानते हैं, विदाउट एंट्रेंस वहाँ पे आप नहीं जा सकते, एंड साथ में या तो मेरिट पे जा रहे हो तो वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे फीस जो है टोटल आपका 5,000 है, मतलब 2,000 2,500 करके आप लगेगा। एमएड आप 5,000 में भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर हम बात कर ले CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी, तो ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर 9,000 जो है 1 साल का है, तो 2 साल का 18,000, ये भी एंट्रेंस से अगर आप जाते हो तभी होगा। तो फिर आप लोगों का इस तरह से यूनिवर्सिटी है, तो आप इस तरह से देख सकते हो हर एक जगह पे जो है वेरिएशंस है। अगर आप एंट्रेंस निकाल के जाते हो, गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलती है, तो आपका 5,000 10,000 में भी बीएड कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम लगेगा 20,000। लेकिन अगर प्राइवेट या डीम्ड में जाते हो तो फिर आप लोग का 60,000 भी लग सकता है 1 साल का, 2 साल का 1,20,000।
कौन से यूनिवर्सिटीज का जो है, कौन से स्टेट के यूनिवर्सिटीज का जो है कम है। तो अगर आप प्राइवेट से जा रहे हो, एंट्रेंस नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन लेकर के जा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी हरियाणा का, क्योंकि वहाँ पे 60,000 ही लगेगा एक साल का, 2 साल यानी 1,20,000, मतलब मोस्ट ऑफ अगर देखा जाए तो 1.5 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एमपी भी है, एमपी में भी बहुत कम में एडमिशन होता है, वहाँ पे 40,000 या 45,000 पे भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडमिशन होता है, मतलब कि 2 साल एमएड करने में आपका 1 लाख के अंदर आपका प्राइवेट से, आप समझ रहे हो, प्राइवेट से आपका 1 लाख के अंदर जो है एडमिशन हो जाता है। तो इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग अलग तरीके से फीस लेते हैं, और ज़्यादा बेटर सब लोग यही सोचते हैं कि एंट्रेंस दे करके जाएँ, क्योंकि अपने आप मेरिट पर जाओगे, अपने बेस पर जाओगे, तो वहाँ पर अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है तो आपको अच्छे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस मिलेंगे जो फीस में बहुत आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से एमएड का फ्रेंड्स मैं आप लोगों को लेकर आई थी कि कौन से यूनिवर्सिटी से करना है। अब आप पर्टिकुलरली किस यूनिवर्सिटी से या किस स्टेट की यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो वो हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।